हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और एक क्वेश्चन मैं ऐसा पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व सत्याग्रह इंडिविजुअल मूवमेंट की बात हो रही है, ये किसने आरंभ किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या शौकत अली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही थे। बात की जाए व्यक्तित्व सत्याग्रह की तो ठीक है, और बात की जाए जवाहरलाल नेहरू की तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से ये जाने जाते हैं और इन्हीं की एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि आपका गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया गाँव में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद होनी चाहिए। प्लस व्यक्तित्व सत्याग्रह आरंभ किया था किसने? विनोबा भावे ने, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछी गई है और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण का संबंध कहाँ से है, तो जेपी नारायण के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो इनका संबंध है बिहार से, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक स्लोगन, एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। देखिए, आपको साल तो पता चल गया कि ये हुआ था 1942 में, कभी कभी इसकी डेट पूछ ली जाती है, तो डेट है 14th of July 1942। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, डांडी यात्रा की गई कब? तो डांडी यात्रा की गई थी 1930 में। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 12 मार्च ठीक है 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने अपने जो 78 उन्होंने अपने अनुयायियों को सेलेक्ट किया था, और साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है उससे जो है एक ऐतिहासिक डांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को जब डांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को इन्होंने तोड़ भी दिया था, तो डांडी यात्रा की गई थी कब? ये की गई थी आपका 1930 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, किस मोमेंट से ये इनका नाम आता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, डांडी मार्च नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। तो यहाँ से हमको साफ दिखता है कि इसमें से इनका किसी से भी संबंध नहीं था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक हुई थी पटना में, ठीक है 1934 के बात है ये। प्रश्न है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम लिखा गया है
बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा था, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा? तो ये कहा है किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल मूवमेंट की, इंटरनेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, तो ये की गई थी किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, 28 दिसंबर 1885, ये साल भी पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। ठीक है, बम्बई में व्योमस चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। देखिए, जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बात की जाए पहली महिला अध्यक्ष की तो वो है एनी बेसेंट, अगर बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये आपको बातें याद होनी चाहिए। 1885 में इसका प्रथम बैठक हुई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। बंगाल विभाजन हुआ कब? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, 16 अक्टूबर डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, 1885 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा भी की गई थी, और मैंने आपको बताया कि इसकी प्रथम बैठक अधिवेशन हुई थी मुंबई में। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ध्यान दीजिए, पूछा है नहीं था, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये उग्रपंथी नहीं थे। ठीक है, देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नाम है जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी नरम दलीय नेता थे। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये सभी उग्रपंथी नेता थे, तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, लंदन, मॉस्को, वॉशिंगटन, टोक्यो, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लंदन से। ठीक है, लंदन से ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1931 में। ठीक है, पाँच मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी और जो वायसराय इरविन थे इनके मध्य दिल्ली समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली पैक्ट कब साइन हुआ था, तो भी 1931 हो, क्योंकि दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन समझौता दोनों एक ही है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया कब? तो ये आरंभ हुआ था 1920 में, 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है, रेगुर मट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? देखिए, अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अब हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, मुंबई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, झारखंड की है रांची। प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? देयर इज़ 4 ऑप्शन गिवन, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या असम, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कोरबा कोयला क्षेत्र आपका अवस्थित है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। गद्य लोक निवासी कहाँ के हैं? तो ये लोक निवासी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश, शिमला है इसकी राजधानी, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्य लोक। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखिए, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है
और हिमालय की जो तलहटी में स्थित है ये महत्वपूर्ण नदी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 376 किलोमीटर, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? मैंने कहा था एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? कावेरी, कृष्णा, महानदी या गोदावरी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये है कानपुर, सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है और गंगा नदी की कुल लंबाई, एक ट्रिक याद कर लीजिए, 25-25 यानी कि 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। प्रश्न है, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं किनके किनके बीच? तो यह है हिंद महासागर और चीन सागर तक, ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसे लगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।